छतरपुर में लगने वाला बुंदेलखंड का ख्याति प्राप्त मेला जल विहार इस वर्ष नहीं लगाया गया है। प्रशासन ने कोरोना के कारण मेला लगाने की अनुमति नहीं दी। मेला न लगने से दुकानदारों एवं जनता में मायूसी देखी जा रही है। दुकानदार एवं लोगों को वर्षों से मेले का इंतजार रहता था, वह मेले में अपनी दुकानें लगाकर अच्छी कमाई करते थे। झूला लगाने वाले, खेल तमाशा दिखाने वाले मेला न लगने से बेहद दुखी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस वर्ष उनकी रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। नगर निकाय को भी दुकानदारों से जगह का किराया मिल जाता था। दिवाली पर विगत वर्षों की अपेक्षा बहुत ही कम रौनक देखी जा रही है। हालांकि बुद्धिजीवी वर्ग का कहना है कि राजनीतिक दलों द्वारा बड़ी बड़ी सभाएं की जा रही है, रैलियां निकाली जा रही है, परंतु प्रशासन द्वारा धार्मिक सामाजिक आयोजनों पर रोक लगाई जा रही है। वही प्रशासन का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए भीड़ एकत्र करने वाले आयोजन मेला लगाने पर रोक लगाना आवश्यक है। छतरपुर का मेला ग्राउंड है, यहाँ बुंदेलखंड का विश्व प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष दीपावली के समय लगा करता था, जिससे यहाँ आसपास के जिलों में भी इस मेले के कारण रौनक देखी जाया करती थी। परंतु इस बार कोविड-19 के कारण प्रशासन ने यहाँ मेला लगाने की परमिशन नहीं दी है, इसलिए लोगों में बेहद मायूसी देखी जा रही है। इसी तारतम्य में हम लोगों से चर्चा करते हैं, आखिर क्या कहना है। इस बार प्रशासन ने हम मेला की अनुमति नहीं ली है। मेला तो लगना चाहिए था, इसलिए कि जब हर चीज़ में बसों में छूट आ गई, बसों में आदमी जा रहा है, ट्रेन में आदमी जा रहा है, तो मेला में यहाँ अपने आप में लोग वहाँ का रोजगार सा छिन गया और रोजगार मिल जाता था और रौनक रहती थी बाजार में, उन्हें मेला लगना चाहिए था। आइए दुकानदारों का भी कुछ पक्ष जानते हैं। इस बार मेला नहीं लगा है तो इससे आपको कैसा लग रहा? महसूस हो रहा मेला नहीं लगा। अच्छा नहीं लग रहा होगा? लग रहा। दीपावली की जो रौनक मेला में रहा करती थी उससे रौनक नहीं दिखाई दे रही है। रौनक चली गई। चलिए आइए। और हमारे बीच में उपस्थित हैं अधिवक्ता आनंद शर्मा जी। शर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कल धनतेरस का त्यौहार है, इस वर्ष दीपावली के त्यौहार में छतरपुर शहर में रौनक नहीं दिखाई दे रही, दुकानें सजी हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, जबकि विगत वर्षों में यहाँ बुंदेलखंड का विश्व प्रख्यात मेला लगा करता था, इस बार वो मेला भी नहीं लग रहा है, आप क्या कहेंगे सर? बड़े दुखद बात यह है, कोरोना की वजह से जो हमारे बीच में बहुत तेज़ी से फैला और इस संक्रमण को देखते हुए शासन के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए, इनके वजह से बहुत ही आर्थिक रूप से लोगों को संकट से गुजरना पड़ रहा है, और इस संकट की वजह से ही और शासन के नियमों के वजह से जो यह मेला, जिसमें कि हमारे नगर के बहुत से व्यवसायी उससे लाभ प्राप्त करते थे, उस लाभ के लिए दुकानें लगाते थे, मेले की रौनक होती थी, लोग खरीदारी करते थे, यह जो आर्थिक लेन देन है यह पूरी तरह से बंद हो गया और इसके वजह से बहुत ही लोग मायूस हैं, और इस मायूसी का ये आलम है कि बाज़ारों में ना रौनक है, ना मेला ग्राउंड में रौनक है, ना कहीं पर भी रौनक दिखने नहीं रही है, क्योंकि आर्थिक रूप से लोग टूट चुके हैं, बुरी तरह से टूट चुके हैं, और जो भी शासकीय मदद है वो पर्याप्त नहीं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा वकील साहब कि राजनीतिक पार्टियों ने बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली, आम सभाएं की वहाँ पर्याप्त भीड़ रही है, कोरोना का डर वहाँ भी हो सकता था, मेला में आ सकता जी। आपने बिल्कुल सुंदर बात कही, बहुत अच्छी बात कही, और राजनीतिक पार्टियाँ अपने मतलब के लिए, अपने हित के लिए बड़े बड़े आयोजन कर रही थी, यहाँ पर किसी तरीके से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, परंतु मैंने सुना है कि प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, 188 के तहत कार्रवाई की जा रही है, परंतु अगर सोशल डिस्टेंसिंग का मान करते हुए दूर दूर भी भले दुकानें लगाई जाती, परंतु कुछ दुकानों को अगर यहाँ लगाया जाता और सोशल डिस्टेंसिंग का उन दुकानदारों को ही छोड़ देते कि वो करें अपने हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और कम से कम इस तरीके से लोगों की दीपावली अच्छे से मच जाती। हमारे हिंदू त्यौहारों को ही सिर्फ ग्रहण लगाया जा रहा है, बाकी अन्य त्यौहारों पर ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि मुसलमानों का भी कितना बड़ा जुलूस निकला, इसके लिए हमें बड़ा खेद है, और इसी तरह तो हमारे रावण दहन के लिए बहुत बड़ी लोगों के द्वारा, बहुत प्रशासन के द्वारा बहुत प्रतिबंध लगाए गए, हमसे बहुत ज़्यादा
प्रभाव डाला गया कि मतलब इस तरीके के कार्य न किए जाएं, जबकि हमारा यह मानना है कि यह दुर्भावनापूर्ण कार्य हो रहा है। हमारे हिंदू भाई बहन जो यहाँ पर बहुत दुकानें लगाते थे या अन्य कोई भी है तो भी दुकानें लगाते थे, उन दुकानदारों को जो लाभ होना था, जो बेचारे आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति प्रशासन के द्वारा पहुँचाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रशासक की जगह अगर कोई नगर पालिका अध्यक्ष हमारा राजनीतिक तौर से कोई गढ़ा होता तो निश्चित ही यहाँ पर मेला लगा होता, मेरा ऐसा मानना है। ये थे हमारे बीच में अधिवक्ता आनंद शर्मा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस वर्ष कोई जनप्रतिनिधि नगर पालिका में अध्यक्ष के रूप में नहीं है, इसीलिए यहाँ मेला नहीं लगाया गया है। हालांकि ये भी कहना मानना होगा कि कोविड के कारण भी के शासन द्वारा जो एहतियात बरते जा रहे हैं ये भी आवश्यक हैं, क्योंकि लोगों का जीवन बचाना भी जरूरी था। कैमरामैन विष्णुदत्त मिश्रा के साथ वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छतरपुर से।